अनामिका को दूध चाहिए था, इसीलिए कटोरी लेकर वो शारदा के घर आती है और कॉलिंग बेल बजाती है। रमेश आके दरवाजा खोलता है और गुस्से से उसे देखता है। ठीक उसी वक्त कौन आया बेटा कहते हुए शारदा हॉल में आती है। रमेश मजाक में कहता है, अनामिका बिल्ली नाम की एक महिला दूध लेने आई है मम्मी। ये सुनकर शारदा घर के अंदर चली जाती है। अनामिका गुस्से से अंदर आती है। अच्छा, एक रमेश नाम का चूहा घर पे है क्या? ए, मुझे अगर तुम चूहा कहोगी ना, मैं तुम्हें पापड़ बना दूंगा। हेलो, ये भी सुन लो, अगर तुम मुझे बिल्ली बिल्ली कहे ना, तो मैं भी तुम्हारा अचार पापड़ बना के रविवार के बाजार में जाकर बेच आऊंगी। इस तरह वो एक दूसरे को धमकी दे रहे थे, तभी शारदा दूध का बोतल लेकर वहाँ आती है। फिर मुस्कुराते हुए, दोनों की शादी होने वाली है, अभी भी चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे हो। इस पापड़ चेहरे वाली लड़की से मैं कभी शादी नहीं करूँगा। निमकी मुंह वाले लड़के से मैं भी नहीं करूँगी। अगर तुम लोग ऐसा कहोगे तो कैसे होगा, सब ईश्वर की इच्छा है। चलो कटोरी निकालो, मैं दूध डालती हूँ। कहने पर अनामिका कटोरी बढ़ाती है, शारदा उसमें दूध डाल देती है। फिर अनामिका गुस्से से रमेश को देखती है और वहाँ से चली जाती है। एक दिन वैशाली अपनी बेटी चांदनी अपने पति मोहन को साथ लेकर सीधा अपने मायके शारदा के यहाँ आ जाती है। प्रशांत चांदनी को गोद उठाते हैं। वैशाली अपनी माँ के पास जाके रोने लगती है। फिर बिना दया भाव के मोहन कहने लगते हैं, देखिए ससुर जी, आपकी बेटी को कैंसर है, बस कुछ ही दिनों की मेहमान है, मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ, और ये रही आपकी पोती, इसे अनाथ आश्रम में देना हो या अपने साथ रखना हो, आपकी मर्जी, मैं चलता हूँ, टाटा गुड बाय। ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। शारदा प्रसाद रोने लगते हैं। फिर एक दिन शारदा और प्रसाद मंदिर जाते हैं, क्योंकि उस दिन उनकी बेटी का जन्मदिन था, इसीलिए वहाँ वो प्रार्थना करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, ईश्वर के साथ विनती करते हैं हाथ जोड़ के। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी किसी भी तरह से ठीक हो जाए। हे देवी माँ, मेरी बेटी को कैंसर से बचाइए, कैसे भी उसे मदद कीजिए, मैं हमेशा आपकी पूजा करूंगी। हर साल हम आपका त्योहार मनाते हैं, आपके चरणों में चांदी चढ़ाते हैं, आप हमें आशीर्वाद भी देते हैं, पर मेरी बेटी को कैंसर हुआ है, उसकी रक्षा कीजिए, उसकी बेटी चांदी को अपनी माँ से दूर मत कीजिए। इस तरह वो विनती करते हैं और अपना दुख व्यक्त करते हैं। पुजारी मंत्र उच्चारण करते हैं, अपने बाएं हाथ से वो घंटी बजाते हैं और दाहिने हाथ से पुजारी देवी को आरती दिखाते हैं। दोनों दंपति जब आरती लेते हैं तो अचानक से आग बुझ जाती है। शारदा देखकर रोने लगती है। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, पर आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, पर एक बात तो मैं कह सकता हूँ, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में ही है, हम चाह कर भी किस्मत को नहीं बदल सकते, इंसानों के हाथ में कुछ नहीं, जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक उसे आप प्यार से रखिए। इतना कहकर भगवान का फूल, नारियल और केला वो शारदा के आंचल में दे देते हैं। शारदा और उसके पति मंदिर से बाहर निकल के एक सीमेंट के बेंच पे आकर बैठ जाते हैं। ठीक उसी वक्त चांदनी अपनी माँ वैशाली को देखकर रोने लगती है। वैशाली की खांसी बढ़ी जा रही थी। वैशाली अपना हाथ मुंह में लगाकर खांस रही थी। जैसे ही उसकी खांसी रुकती है, वैशाली देखती है उसके हाथों में खून। ये देखकर वैशाली रोने लगती है। भागते हुए वो पास के ही बाथरूम में जाती है और अपना हाथ धोती है और फिर आंसू पोंछती है। क्यों माँ, आप मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रही है, मुझे मार दीजिए, इतनी तकलीफ सहा नहीं जा रहा है। वो कही रही थी तभी अनामिका वहाँ आती है। अनामिका के हाथ में टिफिन का डब्बा था। उसे बाथरूम से रोने की आवाज़ आ रही थी। अनामिका समझ गई कि वैशाली बाथरूम में है। वो टिफिन का डब्बा बेड पे रख के बाथरूम की तरफ जाती है। वैशाली, बाथरूम में बैठकर अगर रोगी तो क्या तुम्हारा कैंसर की बीमारी ठीक हो जाएगी? ये कहने पर वैशाली अपना आंसू पोंछकर बाथरूम से बाहर निकल आती है और आकर बिस्तर पे बैठती है। वैशाली के पास जाके अनामिका बैठती है। वैशाली जब टिफिन खा रही थी तब उसे फिर से खांसी आती है। उसके बाद खांसते खांसते उसके मुंह से खून निकलने लगे और वैशाली बेहोश हो गई। जमीन पे खून से लथपथ वैशाली वहीं पे अपना दम तोड़ दी। चांदनी उसे उठाने की कोशिश करने लगी, वो रोने लगी। अनामिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रोती हुई चांदनी को उठाकर वो अपने बाहों में भर लेती है। ईश्वर, ये क्या किया, छोटी सी चांदनी को उसकी माँ से दूर कर दिया, ऐसी हालत करती कि उसके पास अब कोई चारा ही नहीं रहा। ऐसा कहकर वो चांदनी को लेकर हॉल में जाती है। सोफे पर से फोन उठाकर वो शारदा को फोन लगाती है। शारदा परेशानी में जल्दी से घर लौट आई।
रमेश को भी फोन करके पूरी बात बताती है अनामिका। परेशान होकर रमेश भी जल्दी से ऑफिस से घर आ जाता है। सभी लोगों के आंखों में आंसू थे, बहुत परेशान थे। शाम तक दाह संस्कार का काम खत्म हो जाता है। अगले दिन आंखों में आंसू लेकर शारदा खाना पका रही होती है। प्रसाद अखबार पढ़ रहे थे, रमेश ऑफिस के फाइल्स देख रहा था। अनामिका चांदनी को लेकर टेरेस पे जाती है, वहाँ पे पक्षियों को दिखाकर गाना गा के वो उसे बोतल में दूध पिला देती है। चांदनी भी खुशी खुशी बोतल का दूध पी लेती है। दोपहर के वक्त अनामिका उसे झूले में लटा देती है और उससे बातें करने लगती है। शाम के वक्त ठंडी हवा में फूलों के बगान के बीच में वो चांदनी के साथ खेलती भी है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। चांदनी को लगने लगता है कि अनामिका ही उसकी माँ है, अगर अनामिका नहीं होती तो वो रोने लगती। शारदा आके चुप कराती, प्रसाद चुप कराते, रमेश कराते, पर वो चुप नहीं होती। पर जैसी आके अनामिका गोद ले लेती वो हंसने लगती। तभी एक दिन अनामिका के पिताजी सुदर्शन शारदा के घर आते हैं। बहन जी, आज अपनी भतीजी को घर भेजिएगा, आज उसकी सगाई है। ये क्या भाई साहब, हमने तो सोचा था कि रमेश और अनामिका की शादी होगी। हम सोचने से क्या होगा बहन जी, उन दोनों को भी तो यही सोचना होगा ना। हाँ सुदर्शन, जब भी हम देखते हैं तो चूहा बिल्ली या सांप और नेवले की तरह लड़ते हैं। हमें कैसे लगेगा कि ये दोनों अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं? इस तरह कहते हैं। तभी अनामिका चांदनी को गोद में लेकर हॉल में आती है। चांदनी को शारदा के हाथ में सौंप के वो घर जाने लगती है। ये देखकर चांदनी रोने लगती है। ये देखकर रमेश और अनामिका को बर्दाश्त नहीं होता। फिर दोनों एक साथ शारदा के पास आते हैं चांदनी के लिए। चांदनी के प्रति उन दोनों का प्यार शारदा, प्रसाद और सुदर्शन तीनों समझ जाते हैं। बेटा रमेश, तुम्हें चांदनी चाहिए ना, अनामिका को भी चांदनी चाहिए। चांदनी को तुम दोनों से माता पिता का प्यार मिलेगा। तुम लोग चांदनी के लिए कम से कम शादी कर लो, फिर तुम दोनों को मन में शांति मिलेगी, जीवन में खुशी मिलेगी। शारदा की बातें सुन के अनामिका और रमेश दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। जब अनामिका चांदनी का हाथ पकड़ी हुई थी, रमेश अनामिका को मंगलसूत्र पहनाता है। चांदनी मुस्कुराती है, तब से वो परिवार सुखी परिवार हो जाता है। आज यहीं तक, नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। बर्फबारी के बीच अनामिका एक पेड़ के पीछे बंदूक ताने हुए खड़ी थी। वो बहुत ही ध्यान से निशाना लगाई हुई थी। तभी वहाँ जवान आदित्य आता है। आपको ऑफिस रूम से फोन आया है। ओके, सावधान और चारों तरफ नजर रखो। इतना कहकर अनामिका वहाँ से मिलिट्री ऑफिस के तरफ जाने लगती है। मिलिट्री ऑफिस पहुँच के वो सुभाष को जाके सैल्यूट करती है। सुभाष भी सैल्यूट करते हैं। पिछले 6 महीनों से तुमने छुट्टी नहीं ली अनामिका, तुम्हारे लिए 10 दिनों की छुट्टी ग्रांटेड हुई है। जाओ अनामिका, परिवार के साथ समय बिता कर आओ। थैंक यू सर। हमारे किसी भी जवान को ये मौका नहीं मिला, पता है तुम्हें? यस सर, आप लोगों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे यहाँ। गुड अनामिका, हैप्पी जर्नी। थैंक यू सर। इतना कहते हुए अनामिका अपने ऑफिस रूम से बाहर निकल आती है। शारदा, प्रसाद, रमेश, बच्चे भाव्या और हरीश, उधर सभी लोग अनामिका के नाम पे प्रार्थना कर रहे होते हैं। मंदिर के पंडित जी फूलों से देवी माँ को सजा रहे होते हैं। देवी माँ, मेरी मिलिट्री बहू को सुरक्षित रखना। हमारी घर की माँ लक्ष्मी देश के सेवा के लिए मिलिट्री गई है, वो अच्छे से सेवा करे। माँ, उसका ख्याल रखना बस तुम। मेरी अनामिका सुरक्षित रहे माँ। हम घर में अच्छे से जीवन गुजारे, इसीलिए मेरी माँ बहुत मेहनत करी है। देवी माँ, ऐसा मेरी दादी क्या करती है, आप बस मेरी माँ की रक्षा करे। देवी माँ, मैं अपनी माँ को देखना चाहती हूँ। देवी माँ, आप उन्हें घर आने को कहिए। इस तरह सभी लोग प्रार्थना करते हैं। पंडित जी आरती दिखाकर आरती ले आते हैं। खुशी खुशी आरती लेकर सब वहाँ से चले जाते हैं। मिलिट्री बहू अनामिका अपना सामान लेके बस स्टैंड के पास अपने गांव जाने के लिए इंतजार कर रही होती है। जब पूछा था उन्होंने कहा था कि आधे घंटे में बस आएगी, 40 मिनट हो गए अभी तक आई नहीं। ऐसा सोच ही रही थी तभी एक बुजुर्ग महिला अनामिका के पास आती है। बेटा, मुझे भंडारपल्ली गांव जाना है, बस है या चली गई? नहीं गई दादी, उसी बस से मुझे भी तो जाना है। जब वो इस तरह कही रही थी तभी बस स्टैंड परिसर में एक बड़ा मंच था। वहाँ पर एक लंबे लोहे की रॉड रखी हुई थी और वहीं पे राष्ट्रीय ध्वज था जो कि गिरने ही वाला था। वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे बस स्टैंड के पास, पर सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी ने भी उस गिरते हुए झंडे को पकड़ने की कोशिश नहीं की।
अनामिका के नजर पड़ते ही अनामिका अपना सामान छोड़ के भागते हुए जाती है और राष्ट्रीय ध्वज को नीचे गिरने से बचा लेती है। ये देखकर एक छोटी बच्ची तालियां बजाने लगती है। ये देखकर अनामिका जोर जोर से हंसने लगती है। बिना किसी समझ के ही तुम इस तरह की व्यवहार कर रही हो। तुम जैसे लोगों के लिए तो हम बॉर्डर में खड़े होकर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। कहते कहते उसकी आंखें भर आते हैं। फिर वो तिरंगा लेकर वहाँ से मैनेजर के कमरे में चली जाती है। ये क्या सर, आप जब तिरंगा लगा रहे थे तो आपने इसे ठीक से बांधा नहीं। देखो, हम समझते हैं कि तुम मिलिट्री में काम करती हो, कपड़ों से ही समझ रहे हैं, पर वहाँ पे तुम लोगों का यही काम है जो तुम लोग करते हो। हमारे यहाँ पे बहुत काम है, अभी तुम जा सकती हो। आपको क्या लगता है, वो काम बहुत आसान है क्या? एक बार आप मेरे साथ चलिए तो आपको भी समझ में आएगा। हाय भगवान, मैं नहीं जा सकता। फिर अनामिका वो तिरंगा उनके हाथ में सौंप के उनको थोड़ा डांटते हुए अपने लगेज के पास वापस लौट आती है। तब तक उसकी बस आ जाती है। अनामिका और वो बुजुर्ग महिला एक ही सीट में आके बैठती है। खिड़की के पास बैठते ही ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है, जिससे अनामिका बहुत खुश होती है। कितने दिनों की छुट्टी मिली है तुम्हें? 10 दिनों की माँ जी, पर मैंने इस बारे में अपनी सास ससुर या पति बच्चे किसी को नहीं बताया। मैं उन्हें जाके सरप्राइज देना चाहती हूँ। फिर वो उस बुजुर्ग महिला से अपने घर परिवार की बात, बॉर्डर की बात सब कुछ करने लगी। फिर आधे घंटे के बाद बस आके मंदरपल्ली गांव पहुंच गई। फिर अनामिका और वो बुजुर्ग महिला बस से नीचे उतर गई, बस वहां से चली गई। बुजुर्ग महिला अपने रास्ता चली गई और अनामिका धीरे धीरे लगेज लेके मिट्टी के रास्ते होकर अपने घर आने लगी। जब वो चल के आ ही रही थी तब उसे बड़े बड़े मिट्टी के ढेर दिख रहे थे। एक भी पेड़ पौधे वहां नहीं थे। फिर वो एक स्कूल के पास आके रुकती है। वहां की ऐसी हालत थी कि स्कूल का नाम भी ठीक से दिख नहीं रहा था। वहां पे आसपास कुछ लोग नशे भी कर रहे थे बैठकर। यहां के लोग स्कूल, मंदिर, ये सब कुछ कैसे भूल गए? और ये सब यहां पे क्या हो रहा है? इसका मतलब बहुत कुछ गलत हो रहा है। इस तरह सोचते हुए दुखी मन लेकर अनामिका घर लौट आती है। घर आके कॉलिंग बेल बजाती है। शारदा आके दरवाजा खोलती है। दरवाजे के बाहर बहू अनामिका को देखकर शारदा बहुत खुश होती है। तुम ठीक हो ना बहू? मैं ठीक हूँ माँ जी। इस तरह कहकर अनामिका शारदा का पांव छूती है। शारदा अनामिका को ऊपर उठाकर उसे चूम लेती है। अनामिका बहुत खुश होती है। फिर दोनों घर के अंदर आते हैं। प्रसाद और रमेश भी अनामिका का स्वागत करते हैं। माँ, इस तरह कहते हुए भव्या भाग कर आती है। अनामिका गोद में उठाकर उसे चूम लेती है। फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग सोफे पे बैठ के हंसी मजाक करने लगते हैं। फिर सभी के साथ अनामिका अच्छे से समय बिताती है, हंसी मजाक करती है। फिर एक दिन अनामिका अपने बच्चों को स्कूटी पे बैठाकर बाहर सैर के लिए निकलती है। वहाँ पे कुछ लोग जंगल झाड़ी साफ कर रहे होते हैं। ओहो, 2-3 दिनों में स्वतंत्रता दिवस है ना, इसीलिए लगता है साफ सफाई हो रही है। नहीं तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा, लोगों को बदलना मुश्किल है। फिर वहाँ से वो बच्चों को शहर ले जाती है। हरीश के लिए मिलिट्री ड्रेस और भव्या के लिए भारत माता का ड्रेस खरीद देती है। उस दिन स्वतंत्रता दिवस था, सभी लोग तैयार हो गए। सभी ने राष्ट्रीय ध्वज अपने दिल पे लगाया और फिर सभी सरकारी स्कूल में फ्लैग होस्टिंग देखने के लिए चले गए। भावुक होकर सभी ने राष्ट्रीय गीत गाया। अनामिका भी वहां गई, सबसे खुश होकर बातचीत की और कुछ देर के बाद वो भी घर लौट आई। अब उसका मिलिट्री वापस जाने का वक्त आ गया। फिर वो अपनी बेटी भव्या के सर को चूमते हुए कहती है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना बेटा। पढ़ाई करूंगी माँ, मैं भी तुम्हारी तरह जवान होना चाहती हूँ, देश के लिए लड़ना चाहती हूँ। हाँ माँ, मैं भी पढ़ लिख के पुलिस ऑफिसर बनूंगा, देखूंगा ताकि कोई गलत काम ना हो। इतना कह के अनामिका खुशी खुशी सबको बाय बाय कहती है और फिर अपना लगेज लेके वहाँ से वो चली जाती है। हमारे देश में जो भी मंदिर है, स्कूल है, आसपास के सभी जगहों को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को हम देशभक्ति सिखा सकें।